तो गाइस इस तरह का वीडियो बनाने के लिए दोस्तों आपको क्या करना है, आपको फ्रेंड्स कुछ इस तरह से फ्रेंड्स एक कपड़ा पकड़ के आपको एक्टिंग कर लेना होगा। कपड़ा पकड़ते टाइम दोस्तों आपको यहाँ पर एक बात का ध्यान रखना होगा कि आप फ्रेंड्स जिस कलर का कपड़ा पकड़े हो दोस्तों उस कलर का फ्रेंड्स आपका कुछ भी बैकग्राउंड में नहीं होना चाहिए, यहाँ तक कि फ्रेंड्स आपको कुछ भी उस कलर का आपका ड्रेस भी नहीं होना चाहिए। अब फ्रेंड्स आपको क्या करना है, आपको अपने स्मार्टफोन के काइंड मास्टर को ओपन करना होगा। तो गाइस चलिए आप अपने स्मार्टफोन के काइंड मास्टर को ओपन कीजिए, मैं फ्रेंड्स वहाँ पर जाकर आपको आगे का प्रोसेस बताता हूँ। गाइस यहाँ पर देख सकते हैं जो मेरा काइंड मास्टर एप्लीकेशन है उसको मैंने ओपन कर लिया है। अब फ्रेंड्स आपको लेफ्ट साइड में जो नियुक्ति फाइल का एक ऑप्शन दिख रहा होगा देख सकते हैं, इस वाले नियुक्ति फाइल में फ्रेंड्स आपको क्लिक करना होगा। जैसे ही दोस्तों आप उसमें क्लिक करते हैं कुछ इस तरह के तीन एक्सपेक्ट रेशियो आपके सामने आएंगे। यहाँ पर दोस्तों जो आपको एक्सपेक्ट रेशियो सिलेक्शन करना है वो है आपका 9:16 का। आपको गाइस 9:16 एक्सपेक्ट रेशियो में क्लिक करके अपना काइंड मास्टर को आपको ओपन कर लेना होगा। गाइस यहाँ पर देख सकते हैं जो मेरा काइंड मास्टर एप्लीकेशन है उसको मैंने ओपन कर लिया है। अब फ्रेंड्स आपको क्या करना है, आपको राइट साइड में जो मीडिया का एक ऑप्शन दिख रहा है वो देख सकते हैं, इस वाले मीडिया फ्रेंड्स क्लिक करके यहाँ पर फ्रेंड्स आपको एक बैकग्राउंड ले लेना है। आपको फ्रेंड्स आपका यहाँ पर देख सकते हैं कि बहुत सारे आपको बैकग्राउंड दिख रहा होगा, यहाँ पर फ्रेंड्स आपका पसंदीदा एक बैकग्राउंड आपको ले लेना है। मैं फ्रेंड्स सिंपल सा आपको दिखाने के लिए यहाँ पर एक ब्लैक कलर का बैकग्राउंड को सिलेक्शन करता हूँ। दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं जो ब्लैक कलर का बैकग्राउंड है उसको मैं सिलेक्शन कर लिया हूँ। अब दोस्तों इसका ड्यूरेशन को कुछ इस तरह से मैं बढ़ाता हूँ। बढ़ा लेने के बाद गाइस आपको अभी क्या करना है, आपको फ्रेंड्स जो राइट साइड में लेयर का एक ऑप्शन दिख रहा होगा देख सकते हैं, इस वाले लेयर में फ्रेंड्स आपको क्लिक करना होगा। जैसे ही दोस्तों आप इसमें क्लिक करते हैं आपको कुछ इस तरह के पांच ऑप्शन आपके सामने आएंगे। यहाँ पर गाइस जो आपको फर्स्ट ऑप्शन है आपका मीडिया का, आपको इस वाले मीडिया पर फ्रेंड्स आपको क्लिक करके अपना गैलरी को ओपन करना होगा। और यहाँ से गाइस जैसा मैंने आपको बिहाइंड द सीन वीडियो को शूट करने बोला है उस वाले वीडियो को फ्रेंड्स आपको यहाँ पर सिलेक्शन करना होगा। दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं जो मेरा रिकॉर्डिंग किया हुआ वीडियो है उसको मैं सिलेक्शन कर लिया हूँ। अब दोस्तों आपको क्या करना है, आपको कुछ इस तरह यहाँ पर जो आपको एरो दिख रहा होगा देख सकते हैं, इस एरो में पकड़ के दोस्तों आपको कुछ इस तरह से फ्रेंड्स आपको अपना वीडियो को बड़ा करना है। बड़ा कर लेने के बाद गाइस आपको क्या करना है, अभी यहाँ से ओके कर लेना है। अब फ्रेंड्स आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में चले जाना है, जहाँ पर गाइस मैंने जो मेरे वीडियो इस वाले पर्दे के नीचे जो वीडियो प्ले होगा उस वीडियो को देख के रखा है। आपको दोस्तों उस वाले वीडियो को डाउनलोड कर लेना है। अगर दोस्तों मेरे दिए हुए डिस्क्रिप्शन के लिंक से वीडियो डाउनलोड नहीं होता है तो आप फ्रेंड्स मेरे इस वाले टिकटॉक आईडी से भी इस वीडियो को डाउनलोड कर सकते हैं। मेरा जो टिकटॉक आईडी है दोस्तों वो आपकी डिस्प्ले में भी फ्लैश हो रहा है। मैं फ्रेंड्स जो आपको राइट साइड में मीडिया का एक ऑप्शन दिख रहा है वो देख सकते हैं, इस वाले मीडिया पर फ्रेंड्स क्लिक करके यहाँ पर जो आपको फर्स्ट ऑप्शन है आपका मीडिया का, आपको इसी मीडिया में क्लिक करके गाइस आपको उस वाले वीडियो को फ्रेंड्स आपको सिलेक्शन करना होगा। दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं जो मेरा वीडियो है उसको मैं कुछ इस तरह से सिलेक्शन कर लिया हूँ। और फ्रेंड्स आपको क्या करना है, आपको जहाँ पर आप कपड़ा पकड़े हो दोस्तों उस जगह फ्रेंड्स आपको कुछ इस यहाँ पर लाना है और वीडियो को कुछ इस तरह से बड़ा करना है। बड़ा करने के बाद गाइज आपको ये 3 डॉट दिख रहा होगा देख सकते हैं, इस वाले 3 डॉट में क्लिक करके गाइज यहाँ पर आपको जो फर्स्ट ऑप्शन है आपका सेंड टू बैक ऑप्शन का, आपको सेंड टू बैक ऑप्शन में क्लिक कर देना होगा। जैसे आप उसमें क्लिक करेंगे आपका वीडियो जो है आपका जो एक्टिंग किया हुआ वीडियो है उसके जस्ट पीछे चला जाएगा। अब फ्रेंड्स आपको क्या करना है, आपको जो कपड़ा पकड़े हुए वीडियो है उसी वीडियो में कुछ इस तरह से आपको क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद गाइज आपको जो राइट साइड में ऑप्शन सब दिख रहा होगा देख सकते हैं, इसी ऑप्शन का अगर आप स्क्रॉल करके नीचे करेंगे तो फ्रेंड्स आपको यहाँ पर एक कोरमाकी का ऑप्शन दिखेगा। आपको गाइज इस वाले कोरमाकी में फ्रेंड्स आपको क्लिक करके यहाँ पर फ्रेंड्स आपको जो कलर सिलेक्शन करना है, जो फ्रेंड्स आप कपड़ा यहाँ पर दोस्तों जो आपके कपड़े का कलर होगा वही कलर फ्रेंड्स आपको यहाँ पर सिलेक्शन करना है। दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं जो मेरा कलर है स्काई कलर है, तो मैं फ्रेंड्स यहाँ पे सिंपल से स्काई कलर सिलेक्शन कर लेता हूँ। करने के बाद गाइज यहाँ से ओके कर लेता हूँ और फ्रेंड्स इसको मैं इनेबल करूँगा। जैसे गाइज मैं यहाँ पर इनेबल पे क्लिक करता हूँ कुछ इस तरह से फ्रेंड्स जो पीछे का वीडियो है यहाँ पर दिखने लगता है। अब दोस्तों आपको यहाँ से ओके कर लेना है और फ्रेंड्स आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, आपको अपना वीडियो को प्ले करके देखना है। गाइज यहाँ पर देख सकते हैं जो मेरा वीडियो कुछ इस तरह से बन चुका है। अब फ्रेंड्स आपको लेफ्ट साइड में शेयर का ऑप्शन दिख रहा होगा देख सकते हैं, इस वाले शेयर में फ्रेंड्स आपको क्लिक करके अपना फाइल को आपको एक्सपोर्ट कर लेना है।